पिहोवा के गांव संधोली में शराब के ठेके को हटवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर गांव से शराब के ठेके को हटाने की मांग की। ठेके के सामने ही रोष जाहिर किया। सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह और उनकी टीम गांव संधोली के ठेके पर पहुंचे, ग्रामवासियों को शांत करवाया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव संधोली और आसपास के गांव के लोग यहां के ठेके से शराब पीने के लिए आते हैं। जब स्कूल कॉलेज की छात्राएं और महिलाएं यहां से गुजरती हैं तो ठेके पर शराब पी रहे लोग उनको तंग व परेशान करते हैं, जिसके बाद इससे परेशान होकर ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया। सदर पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने कहा कि जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। ना संधोली गांव है, वहाँ कोई ठेकेदार है शराब का, उन्हें एक वहाँ सब हैंड शराब बेचने के लिए ले आया। इस संबंध में ना कुछ गांव के लोग हैं, चुनिया फार्म है, नई बस्ती है, बिरोजपुरा खड़क फार्म है, किला फार्म है, यहाँ के लोग मेरे पास आए हैं। इन्होंने वहाँ का जो सब हैंड रखा है उसको ऑब्जेक्शन किया है, भाई यहाँ ना हो क्योंकि वहाँ बच्चे आते हैं और मंदिर है। इस संबंध में हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से बात की है, तो वो विजिट करेंगे। गाँव की एक कमेटी बनाई है, हम भी इसमें जो भी मतलब ये चाहते हैं हमें गांव के आसपास कोई तनाव ना हो, इन लोगों को समझा दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करके उसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जो हमारे ना 10 साल से ठेके खुर्दे बंद हमारे गांव के अंदर एक भी दारू की बोतल नहीं पीती, कोई नशा मुक्ति के हमारा जो गांव है ना बहुत ही संडे सुबह का है। तो अब ये पता नहीं कहाँ से परमिशन ले, कैसे मिली है हमारे को, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अब ये इन्होंने रोड के ऊपर ठेका खोलते हैं जिसमें लड़कियाँ और हमारी औरतें घूमने जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ तो ठेके हैं, सिर्फ एक ही मेन सड़क है जिसमें प्लस 2 का स्कूल है, ये सामने मंदिर है, यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं। तो ये घूमने जाती हैं, इनको ऐतराज है सारे गाँव वासियों को कि हमारे गाँव का जो ठेका है, जो खुर्दा है, ये इसको कैंसिल किया जाए। तो आपको बताएं कि पिहोवा के गांव संधोली में प्रदर्शन किया जा रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, शराब के ठेके को हटवाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल इनका कहना ये है कि गांव में शराब का ठेका है, जब महिलाएं और जो छात्राएं हैं वो वहां से गुजरती हैं तो जो लोग शराब पी रहे होते हैं उन्हें तंग करते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं।